आते ही भूख लग गई थी, सबसे पहले मैं ये ले ली, सबसे पहले ये खाना है मेरे को, खाते खाते मैं आगे का देखती हूँ। चलो गाइस, हम लोग को पता नहीं ऑटो वाला कौन से रास्ते से छोड़ दिया, कैब बुक नहीं हो रहा था तो ओके तो हम लोग क्या करें, हम लोग जो है पीछे के रास्ते से कहीं से तो उतर गए, मेरे को समझ में भी नहीं आया, भूख लगी थी तो मैं ये ले ली। अभी ये खाते खाते देखेंगे पटको। सो गाइस, फाइनली हम लोग एग्जीबिशन को पहुंच गए थे और हमें एंट्री मिल गई थी, मगर ओ माय गॉड इतना रश था, कभी भी ज़िंदगी में मैं वीकेंड पे दोबारा नहीं आऊँगी एग्जीबिशन, मैं तो ठान ली। ऑल्सो मैं आपको मिलाती हूँ असली हैदराबादी से। मेरे को एग्जीबिशन में क्यूट सा बेबी दिखा जो इतने शोर शराबे में मैं सुकून की नींद सो रहा था, और ये भैया बोल रहे हैं यहाँ से शुरू करो आपका ब्लॉग मैडम, तो मैंने यहाँ से शुरू कर दिया। एनीवेज प्यारे थे भैया। गाइस, हम लोग आ गए हैं टिकट काउंटर के पास और मैं ये खा रही हूँ, और मैंने प्रसाद को भेजा है वो चोरों की तरह ले रहा है टिकट। गाइस, मेरे को वॉशरूम ढूंढ रही हूँ मैं, तब से नहीं मिल रहा है और यहाँ पे बहुत रश है। हम लोग जा के आज सैटरडे को आ गए, अभी लेट्स सी, बहुत ज्यादा रश है, मैं आप लोगों को दिखा दी। ओके गाइस, मल्ली स्टार्ट అయిపోయినా ఓకే కార్నర్ లో వెళ్ళి కొంచెం షూట్ చేద్దాం గైస్। यहाँ पे आ तो गए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को चक्कर आ रहा बिकॉज यहाँ पे चलने तक का रास्ता नहीं है। लास्ट टाइम पे बहुत सही टाइम पे आए थे जहाँ पे हम वॉक करने का डिस्टेंस था, यहाँ पे वॉक करने का भी वो नहीं है। मैं बहुत गलत दिन पे आई हूँ, नेवर एवर कम ऑन वीकेंड्स, नेवर एवर कम ऑन वीकेंड्स। एनीवेज, मैं आप लोगों को बाकी एग्जीबिशन दिखाती हूँ, मेरी फ्रेंड आने वाली है, वो अभी भी ऑन दी वे है, लेट हर कम। तब से घूम रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खरीदा है, व्हाट, नथिंग, कुछ खरीदने लायक मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इस बार। मैं ऑलरेडी वेबसाइट पे शॉपिंग करके फिर एग्जीबिशन आई हूँ, लेट्स सी कुछ मिलता है तो। फाइनली जाके इतना घूम के मेरे को कोई तो एक कुर्ती पसंद आया, तो मैं बोली थोड़ा और देखेंगे, तो भैया मेरे को रास्ता बताया कि आप अंदर जाइए आपको वैरायटीज़ मिलेंगे, तो ऑब्वियसली वैरायटीज़ तो होना ही है ख़रीदने से पहले, तो अपन अंदर गए। अंदर जाते कि बहुत प्यारे प्यारे चिकन करी के कुर्ती मेरे को दिखे और कलर बहुत प्यारे थे, मगर मेरे को क्वालिटी समझ में नहीं आई, और मेरे पास बहुत सारे चिकन करी कुर्तीज़ है तो मैं सोची लेना नहीं लेना, मगर अपन चेकआउट तो सारे कुर्तियों को करें, मज़ा तो आया। एनीवेज, आप देख सकते हैं अगर कभी आप एग्जीबिशन को गए तो ज़रूर ये वाला स्टोर विज़िट करना, इनके पास मटेरियल्स भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली, लेकिन अच्छी चीज़ की हमेशा तारीफ करना, ये मेरे को बचपन से सिखाए, कौन सिखाए ये नक को पूछो क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है, मगर ये देखो प्यारे प्यारे फैंस मेरे को यहाँ पर भी मिल गए। बेस्ट पार्ट ये थी एग्जीबिशन की कि मेरे को बस लोग मिलते गए, मैं मिलती गई। इडली उपमा खा रहे गाइस, व्हाट इज ऑल गाइस, यहाँ पे मैं कोई तो एक स्टोर में घुसी हूँ जहाँ पे ये सारे जो है 200 गरम वो कपड़े नहीं, ऐसे वो ये 200 के ये नेट है, ये स्लीवलेस है, निकाल के बता दो। गाइस, बस ये अभी साइजेस के इशू है, बाकी मटेरियल अच्छा है। बाहर दिखो, मैं समोसा खा गरम, आप तो देख के पानी लेके आए, मेरे को देख के पानी नहीं पी। गाइस, यहाँ पे मैं, ये स्टोर का नाम क्या है, मालूम नहीं, काम कर रही हूँ इस पे मैं आई हूँ एग्जीबिशन पे, बहुत प्यारे कलेक्शन इनके पास, बुलन बुलन है लेकिन मेरे साइज के नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ले रही हूँ, बट मे बी सम अदर डे। चलो थैंक यू। लेता ना।
स्वाति मंडल गाइज, एग्जीबिशन में इस बार कुछ नया देखने को मिला। ये सिर्फ एक बहुत सिंपल सा डेकोर था, मगर लाइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा चमक धमक हो रहा था और ये एक सेल्फी स्पॉट बन गया था। ये एक्चुअली एक गार्डन का डेकोर था और यहाँ पे आपको हर तरीके के पेड़ पौधे मिलते हैं। और इस शॉप में जो मेरे को भैया मिले वो बहुत मासूम से भैया थे, इनको पता भी नहीं था क्या चल रहा है। गाइज, यहाँ पे एग्जीबिशन में कुछ एक नया देखने को मिला कि जैसे ये है ना, प्लान्स वगैरह का, ये लास्ट टाइम नहीं था जब मैं आई थी। एनीवेज, ये अन्ना बहुत प्यारे हैं, ये बोल रहे हैं अगर मेरे पास फ़ोन होता तो मैं आपके साथ फ़ोटो लेता था, बट कोई बात नहीं फोटो नहीं ले सकते, मेरे वीडियो पे आ गए। एनीवेज, अगर आप लोग एग्जीबिशन पे आ रहे हैं तो मेक श्योर यू कम टू दिस ग्रीनरी थिंग। आपको आना है, मेरे को प्यारे प्यारे मेरे फैंस भी मिले। तानिया, हाय बोलो। एंड इनके पूरे फ्रेंड्स की पूरी गैंग आई, मैं भी अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ, बट अभी फिलहाल असिस्टेंट के साथ घूम रही हूँ। गाइस, अब भूख कंट्रोल नहीं हो रही और मेरे को कैमरा एंगल भी समझ में नहीं आ रहा, मैं यहीं से गुजर रही हूँ बार बार, और अब मेरे को खाना खाना है। खाने से पहले कुछ भी नहीं, इसको कैमरा रिकॉर्ड करो बोले तो इन्हें इसको कैमरा रिकॉर्ड करो बोले तो इन्हें पूरा सीन अच्छा ले रहा, उसके बाद देखे तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा। ये हवले को लेके आई मैं, इन्हें खाना नहीं खा के आया आज। अगर एग्जीबिशन में कोई एक कांस्टेंट चीज़ मेरे को हमेशा दिखी तो ये चाट भंडार। ये हर बार एग्जीबिशन, वैसे तो मैं सिर्फ 2-3 बार ही गई हूँ, मगर हर बार एग्जीबिशन में ये चाट भंडार तो दिखना ही दिखना है। अब गाइस, मैं वेट कर रही हूँ अपनी फ्रेंड का, आने वाली है, पता नहीं कहाँ है उसको। आज उसका वर्क था तो वो लॉग आउट करके आई थी, उसने बोला लेट्स सी, मैं अभी तो खाने बैठ गई हूँ और मेरा ना अब ऊपर को सफोकेशन हो रहा है, मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ। आई होप वो आ जाए जल्दी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बॉयफ्रेंड से कुछ कुछ कर रही हूँ तो नहीं, ये मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी तो उससे पता कर रही थी वो कहाँ है। एंड ये है पानी पूरी, बहुत टाइम के बाद गाइस मैं पानी पूरी ट्राई करने वाली हूँ। मैं बहुत पानी नीला गाइज, मैं झूठ नहीं बोलूंगी मगर पानीपुरी के पानी में उतना मज़ा नहीं था, लेकिन क्योंकि बहुत सालों के बाद खा रही थी तो ठीक है, एंजॉय किया। और जाते जाते और एक फैन से मुलाकात हुई, लोगों ने बोला कि आपको देखते हैं वीडियोस में अच्छा लगता है, और ये सुन के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हर बारी मैं सुनती हूँ, हर बारी मैं मुस्कुराती हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इसलिए होती है कि ना ही मेरे सिर्फ यंगस्टर्स फ़ैन हैं, ऑल्सो फैमिली बेस्ड फ़ैन हैं, तो इस चीज़ का मेरे को बहुत बहुत फ़ख्र है। एक तो इसको समझ में नहीं आ रहा है अपन कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, उसके ऊपर से मेरे को सेम जहाँ से हम लोग शुरू करें वहीं पे आके फिर अटका दे रहा है मेरे को। और वो होटल में हमने पानी लिया, गरम गरम पानी लिया, आप लोग सोच सकते गरम पानी 40 रुपीज़ का गरम पानी। इन्हें मेरे छोटे से प्यारे से पानी कहते, आपका नाम क्या है? और से बोलो जी, हाँ तो हाय बोलो। आई हैव नो आइडिया कि एग्जीबिशन में ऑर्केस्ट्रा इससे पहले भी आया था कि नहीं, पर सबसे पहले तो मैंने इसी बार देखा है, तो मज़ा आ रहा था ऑर्केस्ट्रा में। एंड आइसक्रीम खाते खाते मैं मज़ा ले रही थी और अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी। गाइस, थोड़ी नहीं बहुत लेट है, अभी बंद होने वाला है, हीरोइन अभी आई है, अब हम लोग खाएंगे करेंगे। देखो, खाने से पेट भरा कि नहीं, पर आप सबके प्यार से मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया था, मिठाई की भी ज़रूरत नहीं थी, इतना खुशी हुआ था। गाइस, फाइनली पुष्पा आ गई है, मैं पुष्पा को पॉटी बुलाती हूँ, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है,
एंड हम इसके लिए इंतजार कर रहे हैं कब से पता है, कब से हम आए हैं 9 बजे, 9 बजे से इसके लिए वेट कर रहे हैं। और अब आई है महारानी, बताओ आप क्यों लेट हुई हो? सॉरी मैंने बर्थडे ब्लॉग पे भी, बर्थडे ब्लॉग बनाया नहीं, बट बर्थडे पे अगर बनाती तो सिर्फ यही ये होती, यही ये होती। हम कुछ ऑर्डर करते हैं, हमें बहुत भूख लगी है, मुझे नहीं पुष्पा को, हम तो खा के आए। अरे तू ही ट्राई करना पहले, मुझे चाहते ही नहीं है। और खींचो एल्बो ऊपर करो, राइट एल्बो ऊपर करो, छोड़ दो अम्मा ये बात। तो मेरे को भी गाँव वाला नहीं हूँ भाई। और छोड़ और रुको, येलो पे हिट कर, येलो पे। अरे यार हिट कर ना, गाइस इसका ऊपर से ऊपर ही चला गया, जमीन नहीं है। अच्छा ओके गाइस, हम लोग खेले और हमारा किसी का निशाना नहीं लगा, बट ठीक है, इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस। इसका तो किसी और का मर्डर ही होने वाला था। अच्छा वो पीछे कोई था नहीं आज। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दाता कहाँ है आपके?